देख रहे हैं सोनू ब्लॉग यूट्यूब चैनल, मैं हूं आपका दोस्त सोनू निगम। तो एक बार फिर से हाजिर हूं आपके बीच तमाम खबरों को लेकर। लगातार चल रहे दिल्ली में किसान आंदोलन से जुड़ी हुई खबर आज मैं आपको दिखाने वाला हूं। किसानों से जुड़ी ये खबर लगातार जो गोदी मीडिया इस तरह से परोस रही है कि किसानों ने जो है अपना समर्थन वापस ले लिया है, किसान जो है आंदोलन खत्म कर रहे हैं। कुछ जो छोटे मोटे किसान संगठन थे उन्होंने कहीं ना कहीं बायकॉट किया और वो लोग धरना स्थल से छोड़ के अपने अपने शहर अपने गांव निकल गया। लेकिन जो मेन किसान आंदोलन कर रहे हैं जितने भी संगठन हैं वो आज लगातार डटे हुए हैं, आज भी डटे हुए हैं। एक वीडियो जो है किसान यूनियन के नेता हैं इस टिकैत ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालते हुए कहा कि हमने कोई भी आंदोलन नहीं खत्म किया है बल्कि लगातार शासन प्रशासन द्वारा हमें परेशान किया जा रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर जहां किसानों के पंडाल लगे हुए हैं उस पंडाल की लाइट काट दी गई। सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ जो राकेश टिकैत ने अपने फेसबुक अकाउंट पर डाली है, देखिए वीडियो। हम अभी है पंजाब के जो ढाबे हैं यहाँ पे जो लंगर चल रहा है सिंघो बॉर्डर पे, लखवाल जी वाला जो बंकर है इसमें है, सब लोग यहाँ पे खाते हैं, हमारे प्रधान जी यहाँ पे है। और ये देखो जो ट्रैक्टर जिस दिन से यहाँ पे आए, अगर इधर को आप दिखाओगे ये पूरा ट्रैक्टर इस हिसाब से खड़े करके पूरा एक घर यहाँ पे बनवाया गया है। और यहीं पे लंगर भंडारा भी लिया, उनमें लंगर यही इकट्ठा है। और ये आंदोलन जिस हिसाब से चल रहा है बहुत बड़ी संख्या में किसान यहाँ पे है, करीब 20-25 किलोमीटर तक यहाँ पे किसान है। जब हम आए और देखा पूरा तो बड़ी संख्या में किसान है। 26 तारीख के जो किसान आए थे वे जा रहे हैं अभी, और हमें उम्मीद है कि वे बहुत सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर चलाते हुए अपने कल तक वे घर पर पहुंच जाएंगे। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से वे जाते रहेंगे। और ये भी पता चला है कि अभी वहां पे जो गाजीपुर बॉर्डर पे है वहां की लाइटें काटी गई है। और एक डराने का, एक दहशत फैलाने का जो सरकार, जो पुलिस प्रशासन जो काम कर रही है वो नहीं कि गाजीपुर पर जो लोग बैठे हुए हैं और गांव में कोई और लोग नहीं है, इस तरह की कोई भी हरकत पुलिस प्रशासन ना करे। अगर इस तरह की हरकत करेगा तो ये सारे बॉर्डर वे ही हैं, ठीक है। और वे किसान जो गांव में है वहां पर उनको बता देंगे, फिर अगर वहां पर कोई दिक्कत होती है तो वहां के जो लोकल के थाने हैं उस पर किसान वहां पर जाएंगे। ये सरकार पूर्ण रूप से ध्यान रख ले, इस तरह की हरकत कोई भी हरकत वहां पर होगी तो उसकी जिम्मेदारी वहां पे सरकारों की होगी। राकेश टिकैत, सिंघो बॉर्डर, दिल्ली। वीडियो में स्पष्ट किसान नेता राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि लगातार हमें शासन प्रशासन द्वारा परेशान किया जा रहा है, जहां पर उनका पंडाल लगा है वहां की लाइट काट दी गई, लेकिन फिर भी मध्य आवाज में वो सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि यह आंदोलन खत्म नहीं होगा जब तक तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जा सकता। किसान आंदोलन से जुड़ी यह खबर आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप देख रहे हैं सोनू ब्लॉग यूट्यूब चैनल, यदि आप मेरे चैनल पर नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, साथ में बेल आइकन दबाइए जिससे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मैं हूं आपका दोस्त सोनू निगम, बहुत बहुत धन्यवाद।